हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरी किचन स्पाइस पेंट्री में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ कच्चा आम से बना हुआ एक खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंपल एक चटनी है पर खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। चटनी बनाने के लिए पहले एक मसाला रेडी कर लेते हैं, इसलिए मैंने एक कटोरी में ले लिया साबुत जीरा, मेथी, राय, सौंफ, कलौंजी। एक बार मिक्स कर लेंगे सब कुछ। साथ में ले रही हूँ 2 साबुत ड्राई रेड चिली। यहाँ से थोड़ा सा मसाला और एक ड्राई रेड चिली अलग रख देना है बाद में यूज़ करने के लिए। 2 कच्चा आम ले लिया, अच्छे से धो लिया। अभी आम को काट लेते हैं। आम के बीच में जो सीड्स है इसे निकाल लेते हैं। अभी आम को स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों आम को मैंने काट लिया। सॉस पैन में पानी चढ़ा दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। पानी गर्म होते ही इसमें ऐड कर देना है आम के स्लाइसेस। जब तक आम का क्रंचीनेस थोड़ा सा कम नहीं हो जाता है हमको आम को कुक कर लेंगे। पर ख्याल रखना है बिल्कुल भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे। हो चुका है, आम को निकाल लिया मैंने। एक कढ़ाई में ऐड कर दिया जो मसाला मिक्स करके रखे थे, उसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है, मिक्सिंग जार में इसे निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। सेम कढ़ाई में ऐड कर दिया थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा तेल को फैला दिया। तेल गर्म होते इसमें ऐड कर देना है जो मसाला अलग रख दिया था, उसे हल्का सा भून लेंगे। खुशबू आने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मिक्स कर देंगे सब कुछ। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी, थोड़ा सा नमक, अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी इस चीनी वाला पानी के साथ आम को कुक करना है जब तक आम नरम नहीं हो जाता है। तो चीनी का मेजरमेंट कुछ फिक्स नहीं होता है, आम कितना खट्टा है उसके ऊपर चीनी का मेजरमेंट डिपेंड करता है। चेक कर लिया, आम पूरी तरह से नरम हो चुका है। ऊपर से ड्राई रोस्ट मसाला ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट फिर से इसे कुक कर लेंगे। तो ख्याल रखना है आम पूरा नरम होना चाहिए पर गलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्लाइसेस में दिखना चाहिए। बस हमारा यामी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। 15 से 20 दिन इसे फ्रीज में रख के हम आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।